वाले दोस्त अहबाब को एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, क्या लगता है आपको दोस्तों, ये क्या हो सकता है? ये नोकीला दार दर्द क्या है, क्या आप जानते हैं? नहीं तो चलो इसके बारे में आप कुछ बताते हैं। ये देखें दोस्तों, ये जो चीज़ है आपको ये जो नज़र आ रहा है, दरअसल एक जंगली नुकीलादार दरख्त है जो अपने बोरी पे हर चारों तरफ, ये इसको देखें, इसने कांटे निकाली हुई है। मगर मज़े की बात यह है कि इस पे बहुत ज़्यादा हसीन खूबसूरत किस्म के फूल लग जाते हैं और इनके साथ साथ यहाँ पर एक खाने वाले फ्रूट भी लग जाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये चीज़, ये यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ के लोग बड़े शौक से खाते हैं। मज़े की बात यह है कि ये एक जंगली दरख्त है, ये आपको हाथों से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ख़ुद बहुत उग जाता है। बहुत सारे एरियों के अंदर ये ख़ुद बहुत उग जाता है, स्पेशली ऐसे जगहों में जहाँ पे पानी कम हो और गैर आबाद, तो वहाँ पे ज़्यादा लग जाती है। देखो दोस्तों, ये इसके बोरी पे चारों तरफ आपको इंतहाई ख़तरनाक किस्म के नुकीलेदार जो है वो चीज़ें नज़र आएंगे, मगर इसके ऊपर फूल लगते हैं। इसके ऊपर लगे हुए फूलों की खुशबू बहुत ज़्यादा हसीन होती है, बहुत ज़्यादा उम्दा होती है। ये तकरीबन 20 मीटर तक आपको इसकी खुशबू आएगा। मज़े की बात यह है कि ये जो चीज़ है ये अकेला नहीं उगता, इसके साथ बहुत सारे और दरख उगते हैं। अब देखिए, इसमें देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें यहाँ पे गालिबा एक साथ 10 दरख्त उगे हुए हैं। ये देखें, मज़े की बात यह कि इसकी जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, नीचे इसका जड़ एक ही है, मगर ऊपर से गालिबा 8, 9, 10, 12, 13 तक एक साथ उगते हैं। और ये जो चीज़ है, ये इसकी एक और फायदा, इसको मैं अभी करीब करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये देखिए, इसकी जो कांटे हैं ये इंतहाई नुकीलेदार है, ये चुभते हैं इंतहाई ख़तरनाक, अगर एक दफ़ चुभ गए तो आपको ये लहूलुहान कर देंगे। मगर मज़े की बात यह है कि इसकी जो बॉडी है, इसकी जो तना है, इंतहाई सख्त होता है। जब आप इन कांटों को यहाँ से हटा के यहाँ पे इस चीज़ से अगर आप किसी चीज़ में इस्तेमाल लाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये सख्त होता है। और इसके साथ साथ इसके जो बोरी है, बोरी तो इंतहाई नुकीलेदार, उसके साथ ये बहुत सीधा होता है, ये टेढ़ा नहीं होता है, बहुत सीधा होता है। उसके बाद इसके ऊपर ये देखिए, ये फ्रूट, इसके साथ यहाँ पर बहुत सारे और फूल भी खिलते हैं, इन फूलों से बहुत ज़्यादा उम्दा खुशबू आ जाता है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये पहाड़ी एरिया में बहुत पाया जाता है। इसके साथ साथ इस जो दरख्त है, इसके बारे में आपको नुकीलेदार कांटेदार इस दरख्त के बारे में आपको मैंने बताया, और ये दोनों एक साथ ही जो है उगते हैं, समझिए दोनों जो है वो भाई बहन, आप इनको समझ सकते हैं, ये एक ही साथ एक जगह में एक साथ उगते हैं। और इसके साथ साथ ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये इन एरियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ के लोग इन चीज़ों को जलाने के लिए और इसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर दस्ते लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो चीज़ है, इसका तना, इस तने से यहाँ के लोग अपने मुख्तलिफ जो ज़री चीज़ें हैं, ज़री औज़ार है, उसमें दस्ते लगाते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे दीगर चीज़ों के लिए काम आता है। तो बहरहाल ये जो चीज़ है ये बहुत नायाब है। मेरी कोशिश होती है कि आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर ऐसे अनएक्सप्लोर अनडिस्कवर चीज़ें दिखाऊं, ऐसे हैरतअंगेज चीज़ें दिखाऊं जिनको देख के आप लोग महसूस हो जाए। जी दोस्तों, आज की वीलॉग में आपको सिर्फ यही बताना था। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और ऐसे खूबसूरत अट्रैक्टिव फुल और एडवेंचर से भरपूर वीलॉग लेकर, तब तक अल्लाह हाफिज़।